अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जाएंगे बहरीन, तो आज हम जा रहे हैं बहरीन ब्रिज पे। जिस पाकिस्तानी फ्रेंड के पास हमने जाना था बहरीन, वो पाकिस्तान छुट्टी पर चला गया, तो आज हम जा रहे हैं बहरीन। बच्चे कह रहे हैं कि चलते हैं बच्चे कह रहे हैं कि आज हमने साइकिलिंग करनी है, तो इनको लेकर चलते हैं बहरीन ब्रिज पे। तो आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बहरीन में जाने का क्या तरीक़ेकार है, सऊदीया से हम किस तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं, वीज़ा किस तरीके से मिलता है, और वहाँ का ब्रिज जो है ना वो फेमस है, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बहरीन ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज का नाम है किंग फहद कॉजवे। किंग फहद कॉजवे सऊदीया और बहरीन को आपस में मिलाता है। ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है। इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 23 मीटर, मतलब के 75 फीट। पुल 26 नवंबर 1986 को तामीर हुआ था। 36 साल हो गए इस पुल को बने हुए और इस पुल के ऊपर अमरीकी 800 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे, और इसको जिसने तामीर किया था उस कंपनी का नाम था ब्लास्ट निदाम। अगर आप सऊदीया में जॉब कर रहे हैं तो बहरीन का वीज़ा 50 रियाल में लगेगा। अगर आप विज़िट पे आएँ तो उस बहरीन का वीज़ा लगेगा 100 रियाल में, और अगर आप कार पे जा रहे हैं तो कार का टूल है 25 रियाल। ये जो परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो परिंदे हैं जो समंदर से मछली पकड़ते हैं। ये पुल 536 कंक्रीट के पिलर पर टिका हुआ है। खाली इस पुल के दरमियान में एक जजीरा है जहाँ पर बहुत सारे होटलिंग, और यहाँ पर एक मस्जिद है बहुत खूबसूरत, और वहाँ पर इमिग्रेशन भी वहीं होती है, मतलब कि अगर आपको वीज़ा चेक करवाना है तो वो भी आप यहीं पर चेक करवाएंगे, पुल के बीच में एक जजीरा वहाँ पर। और ये जो समंदर है इसको नींद की माँ भी कहा जाता है, वो इसलिए कि इसमें लहरें नहीं हैं जिस तरीके से हमारे कराची में, पाकिस्तान में जो समंदर है उसमें जिस तरीके से लहरें हैं बड़ी बड़ी, इसमें समंदर में लहरें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो मैंने आपको जजीरा को बता रहा था, बीच में एक जजीरा है जहाँ पर बहुत सारे होटलिंग है, और यहाँ पर मैकडोनल्ड वगैरह, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, और एक खूबसूरत मस्जिद भी है यहाँ पर। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर से निकले थे और अभी यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर 4 बजे का टाइम हो रहा है और ये सामने पुल है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। इस तरफ है सऊदीया, ये पुल क्रॉस करके इस तरफ है बहरीन। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो पीछे चेक पोस्ट है ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये बहरीन का जो है चेक पोस्ट है, उस तरफ से बहरीन का पुल है। तो यहाँ से हम अभी सऊदीया के अंदर खड़े हैं। बहरीन जाने के लिए कोई स्पेशल वीज़ा नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से कि आप लोग जब बहरीन जाएंगे तो आप लोगों ने एक काम करना है कि इधर आना है चेक पोस्ट पर, आके आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, मतलब अपना पासपोर्ट जमा करवाएं और हाथों हाथ अपना वीज़ा लगवा लें, ठीक है। ये जो मस्जिद है ये अभी सऊदीया की मस्जिद है, उस तरफ पुल के उस तरफ जो एक बड़ी मस्जिद है वो बहरीन। ये मस्जिद आप देख रहे हैं यहाँ पर, मस्जिद में लेडीज़ के लिए अलग जगह और जेंट्स के लिए अलग। सर की नमाज़ का टाइम हो गया है, वज़ू करते हैं, वज़ू के बाद नमाज पढ़ के फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पार्क है और यहाँ के जो माहौल है वो वज़ू मैंने कर लिया है। तो अब जा रहा हूँ मैं मस्जिद के अंदर, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की मस्जिद। وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ये जितनी भी कारें उस तरफ जा रही हैं इनके पास वीज़े हैं जो बहरीन जा रहे हैं, ठीक है। ये बहरीन जाने का जो बॉर्डर है वो ये रहा। ये फर्स्ट वाला जो है ये सऊदीया का है, उस तरफ जो आपको लाइन नज़र आई होगी वो है बहरीन का। ये यहाँ पर एक पार्क है तो वहाँ जा रहे हैं हम, और ये पुलिस वालों का इस पुलिस स्टेशन है, अगर कोई कुछ करता है तो ये पकड़ के यहाँ ले आते हैं। ये बहरीन और सऊदीया के बीच में एक पिकनिक पॉइंट है, जो वीज़ा नहीं लगवाते अगर वो घूमने आते हैं, तो समंदर के बीच में एक पिकनिक पॉइंट उन्होंने बनाया। वो देखें आपको, जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे लाइनें लगी हुई गाड़ी की, वो उस तरफ लगी हुई है, ठीक है। ये एक पिकनिक पॉइंट है, तो यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, जिन्होंने नमाज़ पढ़नी होती नमाज़ पढ़ रही होती, वो देखें लेडीज़ नमाज़ पढ़ रही हैं। ये बहरीन और सऊदीया का ब्रिज है, क्योंकि मौसम है वो थोड़ा साफ नहीं है, इस वजह से आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम आ गए हैं पार्क में, यहाँ पर बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कुछ लोग खेल भी रहे हैं फुटबॉल, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं बहुत सारी, ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।
यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे कांच के इस तरीके के झूले लगाए गए होते हैं। और यहाँ की सफाई देख लें, माहौल देखेंगे, फैमिलीज बैठी हुई हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम देखेंगे।